दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को या बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारे इत्यादि। इसे जो टेलीस्कोप है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। इसमें जो वस्तु के ओर लेंस लगा होता है, इसे अभिदृश्यक या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जबकि दूसरे सिरे पर जो आंख के पास लेंस होता है, इसे नेत्रिका लेंस या आईपीस कहते हैं। दोनों ही लेंस का मुख्य अक्ष एक ही होता है, सेम होता है। अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है, जबकि नेत्रिका लेंस अपेक्षाकृत छोटा होता है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। तो किसी वस्तु जो कि बहुत दूरी पर है, दूरस्थ वस्तु से जो किरणें आती हैं, अभिदृश्यक लेंस से वो एकत्र होकर किसी फोकस पर जाकर बनती हैं, जो कि उल्टी बनती हैं। यानी बहुत बड़े से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी जो ए डैश बी डैश दर्शाया गया है। अब ये जो बना हुआ प्रतिबिंब है, यह नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा, और नेत्रिका लेंस से जब ये प्रकाश गुजरती है तो नेत्र इसको थोड़ा इस वस्तु के मुकाबले, यानी ए डैश बी डैश के मुकाबले थोड़ा बड़ा कर लेता है, यानी ए डबल डैश और बी डबल डैश। इसे अंतिम प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब ये जो बना हुआ अंतिम प्रतिबिंब है, ये आभासी होगा और वास्तविक यानी मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। साथ ही साथ इसका आकार वास्तविक वस्तु से छोटा होता है। तो ये संरचना थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात की जाए, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति, यदि दूरदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बना हो, तो आवर्धन क्षमता हो जाएगी m बराबर f नॉट बटे f e ब्रैकेट में 1 + f e बटा d, जहां पे f नॉट अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, f e नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, जबकि d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तीसरी जो बात है यहाँ पे, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब क्या होगा? तब m बराबर f नॉट अपॉन f e ब्रैकेट में 1 + f e बटा इनफाइनाइट। इसका मतलब m बराबर f नॉट अपॉन f e, बस केवल यही स्थिति बनेगी, क्योंकि इनफाइनाइट से जब भाग किया जाएगा तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये था टेलीस्कोप और उसकी संरचना।